नमस्कार। आज के ई लेक्चर का टॉपिक है बैग्ड क्लॉथ वी। बैग्ड क्लॉथ कपड़े के वे प्रकार होते हैं जिन्हें दोनों सतहों पर अल्टरनेट तरीके से बनाया जाता है, यानी एक फेस और एक बैक के रूप में बुनाई की जाती है, यानी दो सतह बनती हैं, एक फेस सतह होती है और दूसरी बैक की सतह बनाई जाती है। ये बुनाई एक रिवर्सिबल और नॉन रिवर्सिबल प्रकृति की हो सकती है। इस प्रकार के कपड़ों का निर्माण मुख्य रूप से दो उद्देश्यों के लिए किया जाता है। कपड़े की गर्माहट यानी वार्म्थ बरकरार रखने के गुणों को बढ़ाना और अधिक वजन और सामग्री को सुरक्षित करना, जो एकल संरचना में प्राप्त किया जा सकता है, जो सतह पर समान रूप से ठीक रहता है, यानी कि कपड़े की वार्म्थ बनाए रखने के लिए और कपड़े का वजन बढ़ाने के लिए डबल फेस का जो है फैब्रिक बनाया जाता है, जिसमें फेस साइड जो होती है थोड़ी फाइनर होती है और बैक साइड थोड़ी रफ हो सकती है, और रिवर्सिबल के केस में दोनों यूज के अकॉर्डिंग हो सकती हैं। एक हैवी सिंगल फैब्रिक जो कि केवल मोटे यार्न के उपयोग से बनाया जा सकता है, जिसके साथ प्रति इकाई स्थान यानी प्रति यूनिट स्पेस में जो थ्रेड्स होते हैं उनको एम्प्लॉय किया जाता है, और हैवी सिंगल फैब्रिक जो है बनावट में थोड़े मोटे प्रतीत होते हैं। एक कपड़े के नीचे की तरफ धागे को इंटरव्यू करके किसी भी वांछित वजन को एक हल्के एकल कपड़े की कोमल सतह की दिखावट या टेक्सचर के साथ कंबाइन किया जाता है, यानी कि फाइन फैब्रिक जो हमने फेस के लिए लेना है सिंगल फैब्रिक, उसके साथ बैक वीव बैक साइड में बैक वीव इंटरलेस की जाती है, जिससे कि कपड़े का वजन बढ़ जाता है, लेकिन टेक्सचर जो होता है वो सिंगल कपड़े का, जो कि हमें सॉफ्ट सरफेस चाहिए, उसके अकॉर्डिंग उसका टेक्सचर फेस पे दिखाई देता है। तो दोनों सरफेसेस को कंबाइंड करके जो वीव बनाया जाता है वो बैग्ड क्लॉथ होता है। एक फेस के कपड़े की बैक बनाने में धागे डालने का उद्देश्य यानी कि मोटिफ केवल एडिशनल वजन देना है, अतिरिक्त वेट जो है एडिशनल वेट जो होता है वो उसको दिया जाता है। बैग्ड क्लॉथ निर्माण के फायदों में से एक यह है कि अतिरिक्त वजन एक किफायती तरीके से प्राप्त किया जा सकता है, यानी कि वीविंग के दौरान ही हम टेक्सचर को डिस्टर्ब किए बिना किसी भी फैब्रिक का वजन बढ़ाया जा सकता है, रिक्वायर्ड वेट उसको दिया जा सकता है, क्योंकि सामग्री जो फेस के यार्न से हल्का है निचली सतह पर इस्तेमाल किया जाता है। बैग्ड क्लॉथ में बैक वीव बनाने के लिए थोड़ा सा हल्के क्वालिटी का यार्न यूज किया जाता है, जो कि फेस पर दिखाई नहीं देता है। बैग्ड क्लॉथ का जो निर्माण बैग्ड वेफ्ट और बैग्ड वार्प सिद्धांतों पर हो सकता है, यानी कि बैग्ड के जो थ्रेड्स हैं वो इधर वार्प और वेफ्ट दोनों मेथड से इंसर्ट किया जा सकता है। ताना बैग्ड यानी वार्प बैग्ड कपड़े के मामले में वार्प के दो सीरीज होती हैं, जिसमें एक फेस के लिए और एक बैक के लिए यूज किया जाता है, लेकिन वेफ्ट एक ही होता है दोनों में, जो कि वीव के अकॉर्डिंग इंटरलेस करता है। और वेफ्ट पैक्ड कपड़े के मामले में वेफ्ट की दो सीरीज होती हैं, और एक फेस की और एक बैक की, तथा वार्प का जो धागा है वो एक ही यूज किया जाता है, यानी एक सीरीज वार्प की यूज किया जाती है। तो यानी वार्प पैक के मामले में दो वार्प और एक वेफ्ट होगा, और वेफ्ट बैक्ड के मामले में दो वेफ्ट और एक वार्प होगा। प्रिंसिपल्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, निर्माण का सिद्धांत यानी बैग्ड क्लॉथ को बनाया कैसे जाता है। बैग्ड कपड़े के निर्माण में निम्नलिखित चरण शामिल हैं, यानी जो स्टेप्स हैं वो कैसे हैं। फेस और बैक के धागे डिजाइन पेपर पर मार्क किए जाते हैं, यानी ग्राफ पेपर पर जब हम बनाएंगे तो उस पर फेस और बैक के थ्रेड्स मार्क किए जाएंगे, तो जो भी हम रेशियो लेंगे वेफ्ट और बैक के उसके अकॉर्डिंग हम इसको मार्क करेंगे, और जो जो कि हमारी वीव के में
इंसर्शन के अकॉर्डिंग यानी वेफ्ट के इंसर्शन के अकॉर्डिंग मार्क किए जाते हैं। वार बैकिंग के लिए फेस वीव को केवल फेस थ्रेड में नॉर्मल इंसर्शन किया जाता है और वेफ्ट बैकिंग के लिए रिवर्स तरीके का उपयोग करके उसमें इंसर्ट किया जाता है। बैक व्यू को जनरल तरीके से या उल्टे तरीके का उपयोग करके बैक थ्रेड्स पर ही डाला जाता है। फेस की बुनाई के दो लंबे फ्लोट्स के बीच बैक की बुनाई पर एक निशान लगाया जाता है, यानी कि जो फ्लोट्स बनते हैं उनके बीच में हम उसको मार्क करते हैं, बैक्ड जो इंसर्शन है, बैक जो मार्क है, क्योंकि फेस के जो फ्लोट बनते हैं दो फ्लोट्स के बीच में अगर बैक का मार्क आता है तो वो थ्रेड फेस के ऊपर दिखाई नहीं देगा, इसलिए फ्लोट्स के बीच में पॉसिबली बीच में उसको इंटरलेस किया जाता है। ये फेस पर फ्लोट को कवर करके बैक की बुनाई के बाइंडिंग मार्क यानी कि जहाँ इंटरलेसमेंट होता है बैक का थ्रेड फेस के थ्रेड के साथ, वहाँ वो मार्क दिखाई नहीं देगा फेस साइड में। रिवर्सिबल संरचनाओं फेस की बुनाई के बंधन के निशान यानी बाइंडिंग मार्क जो है बैक पर समान रूप से अच्छी तरह से छुपाया जाना चाहिए, यानी कि जैसे हम फेस पर बैक के थ्रेड्स को फ्लोट में मार्क करते हैं फ्लोट के बीच में, वैसे ही जब रिवर्सिबल स्ट्रक्चर हम बनाते हैं तो वहाँ भी फेस के थ्रेड बैक साइड में दिखने नहीं चाहिए, तो उनको भी हम फ्लोट के सेंटर में या पॉसिबली जहाँ तक फ्लोट दो फ्लोट्स होते हैं उनके ऐसी जगह पर मार्क किया जाता है जिससे कि वो फ्लोट उस मार्क को कवर कर लेता है। ये फेस और बैक की बुनाई के एक उपयुक्त विकल्प द्वारा प्राप्त किया जाता है। वार बैक की बुनाई के लिए अधिक उपयुक्त है, यानी कि फेस की जो वीव हम लेंगे वार फेस्ट जब हम बनाएंगे तो उसमें वार बैक्ड के लिए वार फेस्ट वीव ही हम यूज करेंगे और वेफ्ट फेस्ट बुनाई वेफ्ट बैक्ड बुनाई के लिए अधिक उपयुक्त होती है, जबकि कुछ स्क्वायर फेस्ट वीव जो दोनों संरचनाओं के लिए सक्सेसफुली काम में ली जा सकती है ताकि बैक्ड कपड़े में एक अच्छी तरह से ढका फेस मिल सके, तो सिमिट्री बनाए रखने के लिए हम स्क्वायर फेस्ड भी यूज कर सकते हैं। सही सेटिंग बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि फेस के थ्रेड्स के पर्याप्त घनत्व के बिना बैक की बुनाई के बंधन में यानी बाइंडिंग मार्क को कवर नहीं किया जा सकता, तो फेस के थ्रेड्स की डेंसिटी अच्छी होगी जिससे कि फेस बैक के मार्क जो हैं बाइंडिंग मार्क वो कवर हो जाते हैं, उन्हें चाहे कितना भी स्पष्ट रखा गया है। वार पैक्ड फैब्रिक फर्स्ट जो टाइप है हम उसको अब इनको टाइप के अकॉर्डिंग हम इसका को लेंगे। पहला है वार पैक्ड फैब्रिक, ये कपड़े वैकल्पिक रूप से दो समान या अलग अलग ताना फेस्ड बुनाई द्वारा निर्मित होते हैं, यानी कि फेस और बैक की जो वीव है वो अलग अलग हम यूज करेंगे। इस तरह की तकनीक का उद्देश्य मोटे यार्न का उपयोग किए बिना कपड़े की अधिक मोटाई या वेट प्राप्त करना है। ताना बैक्ड यानी वार बैक्ड कपड़ों के निर्माण के लिए वार की दो श्रृंखलाएं, दो सीरीज, टू सीरीज ऑफ वार एंड ए सिंगल सीरीज ऑफ वेफ्ट काम में लिया जाता है। वार के धागों की एक श्रृंखला में यानी एक सीरीज फेस के लिए होती है और दूसरी बैक के लिए होती है, तो स्पष्ट रूप से दो ताना बीम की आवश्यकता होगी क्योंकि हमें वार्प और वार्प दो सीरीज हम ले रहे हैं, एक फेस की और एक बैक की, तो उसमें हमें दो अलग अलग वार बीम की आवश्यकता होगी। फेस से बैक ताना धागे का अनुपात आमतौर पर 1:1 होता है, यानी कि जो रेशियो हम रखते हैं जनरली वो फेस टू बैक का 1:1 होता है, यानी एक फेस का वार्प है तो दूसरा बैक का वार्प है, अल्टरनेट हम उसका अरेंज करते हैं। कभी कभी कुछ स्पेशल केसेस में इसका जो रेशियो है वो 2:1 रखा जाता है, टू फेस टू वन बैक।
ताना यानी वार बैक्ड कपड़े के निर्माण में पहला जो चरण है यानी फर्स्ट स्टेप जो है फेस की बुनाई का चयन करना, फर्स्ट ऑफ ऑल फेस सिलेक्शन ऑफ फेस वीव, नेक्स्ट सिलेक्शन ऑफ बैक वीव। बैक वीव का चयन इसलिए किया जाता है ताकि बैक वार थ्रेड्स को नीचे करने के लिए पीछे की तरफ लंबे फ्लोट्स को छोड़ दें, इसलिए फेस और बैक दोनों धागों के लिए एक ताना फेस्ड वीव यानी वार फेस्ड वीव का सिलेक्शन किया जाता है जो कि आगे हम एग्जाम्पल में पढ़ेंगे। यहाँ देखिए फेस वीव, हमने थ्री अप वन डाउन का ट्विल लिया है, 3-1 ट्विल, और बैक के लिए हमने इसका रिवर्स यानी कि जो फ्लोट है उन फ्लोट्स के सेंटर में, देखिए यहाँ पर हमने ये पहला फ्लोट हमारा जो बन रहा है इस फ्लोट के सेंटर में 1 2 3 4 4x4 पर हमने ट्विल व्यू बनाया है जिसमें फर्स्ट थ्रेड फर्स्ट वार्प को हम लेते हैं फेस का, तो हमारी जो वीव की साइज होगी 1:1 के रेशियो में 8 या वार्प होंगे और 4 वेफ्ट होंगे जो कि हमने यहाँ पर नीचे दिखाया है। अब जो हमने वीव लिया है ए बी सी, ए हमने फेस वीव लिया है और सी बैक वीव लिया है, तो जो ए हमने थ्री अप वन डाउन का वीव लिया है उसी को हम रिवर्स, जहाँ हमारा फ्लोट है जैसे फर्स्ट थ्रेड का फेस का फर्स्ट थ्रेड का फ्लोट है 3 का, तो इसका सेंटर सेकंड वेफ्ट पर बनता है, तो यहाँ पर हम बैक के वीव का जो अप लेंगे वो सेकंड थ्रेड पर लेंगे। इसी तरह सेकंड थ्रेड का फ्लोट जो है फर्स्ट पर आता है, तो यहाँ हमने फर्स्ट पे इसको मार्क किया सर्किल क्रॉस विद सर्किल, और तीसरे थ्रेड का फोर्थ में आता है और चौथे थ्रेड का थर्ड में आता है, तो इस तरह ये जो है ये फेस व्यू हो गया और ये बैक व्यू हो गया, जो कि इसको जब हम बैक साइड से देखेंगे तो ये सेम फेस व्यू की तरह ही वार फेस दिखाई देगा, बैक का वार जो है उसकी फेसिंग होगी। अब इसको जब हम फिल करेंगे तो मार्क यहाँ पर देखिए 8 थ्रेड्स हमने लिए, उसमें पहला थ्रेड फेस का है, दूसरा सेट जो थ्रेड लिया बैक का, फिर फेस फिर बैक फिर फेस फिर बैक फिर फेस फिर बैक। देखिए बैक के थ्रेड्स को मार्क करने के लिए हमने रोमन में फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ लिया है, और इस तरह फेस में 1 2 3 4 हमने इसमें मार्क कर दिया है, और फर्स्ट जब हम फिल करेंगे फेस का फर्स्ट थ्रेड एज इट इज मार्क करेंगे जैसा फेस के मार्क थ्रेड्स में फिल करेंगे फेस वी, और बैक वी बैक के थ्रेड्स में हम फिल कर देंगे, इस तरह हमारा ये कंप्लीट वी बन जाता है। अब इसमें देखिए फ्लोट जो दिखाए गए हैं ई में, ई जो दिखा रहा है ये हमारे वेफ्ट क्रॉस सेक्शन ऑफ वेफ्ट दिखा रहा है, और एफ जो है क्रॉस सेक्शन ऑफ वार दिखा रहा है, तो इस तरह ये फ्लोटिंग जो है इनकी शो की गई है। यहाँ पर वीव ड्राफ्ट और पेग प्लान तीनों को यहाँ पर दिखाया गया है, जिसमें वीव सेम वही है जो पिछली स्लाइड में हमने यूज़ की है, 8 थ्रेड वार्प और 4 8x4 पर जो कंप्लीट हमने बैक्ड वार बैक्ड वीव जो बनाया है उसका ड्राफ्ट, क्योंकि यहाँ हमने 8 थ्रेड यूज़ किए हैं 4 फेस के और 4 बैक के, तो यहाँ पर ड्राफ्ट जो है 8 हील्ड पर बनेगा, जिसमें जो कि डिवाइडेड ड्राफ्ट है 4 हील्ड जो है फेस के लिए और 4 हील्ड बैक के लिए, और इसी तरह इन दोनों से जब इस ड्राफ्ट के अकॉर्डिंग बैक प्लान शो किया गया है, जिसमें फर्स्ट 4 थ्रेड्स जो है वो एज इट इज़ फेस के हैं और लास्ट जो 4 है वो बैक के हैं, लिफ्टिंग जो दिखाई गई है बैक प्लान की वो इस तरह इसमें बनेगी। इसको हमने एक्सप्लेन किया है, एक 3-1 ट्विल को फेस और बैक की बुनाई दोनों के लिए आधार बुनाई के रूप में चुना जाता है, ए में फेस की बुनाई और सी में बैक की बुनाई को दिखाया गया है, सी का डिजाइन 3 अप 1 डाउन का ट्विल है जैसा कि पीछे की तरफ से देखा गया है, और यही
वन अप थ्री डाउन है, जैसा कि फेस की तरफ से देखा गया है। स्पष्टता के लिए क्रमशः अरबी और रोमन अंकों के द्वारा फेस और बैक को के ताने बाने को दर्शाया गया है, यानी फेस को अरबी 1, 2, 3, 4 और बैक को रोमन यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ मार्क करके हमने इसमें शो किया है। बी में क्रॉस सेक्शन के तरीके को दिखाने के लिए संदर्भ रेफरेंस के रूप में पहली पिक के साथ वार्फ पे क्रॉस सेक्शन को दिखाता है, जैसा कि इस क्रॉस सेक्शन में देखा जा सकता है। वेफ्ट की पहली पिक क्रमशः फेस ताना 1, 2 और 3 से नीचे और 4 से ऊपर जाता है। वेफ्ट भी क्रमशः बैक वार थ्रेड फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ के ऊपर जाता है और सेकंड के नीचे से जाता है। ये देखा जा सकता है कि ताना वार्फ का जो धागा सेकंड वेफ्ट के लिए बाइंडिंग पॉइंट है, बाइंडिंग पॉइंट बीच में लाने के लिए इसे चुना गया है। पीछे के ताना धागे यानी वार्फ के थ्रेड जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ के साथ क्रमशः 1, 2, 3, 4 के क्रॉस पॉइंट को चित्र सी में क्रॉस सर्कल के निशान से दर्शाया गया है। फेस और बैक ताना धागे को 1:1 के अनुपात में अल्टरनेट रूप से व्यवस्थित किया जाता है, जैसा कि चित्र डी पर दिखाया गया है। चित्र ई पर ताना बैग्ड यानी वार बैग्ड कपड़े का वार पे क्रॉस सेक्शन दिखाया गया है। ये ध्यान दिया जाना चाहिए कि ये वही है जो चित्र बी में दिखाया गया है। चित्र एफ पर वार पे क्रॉस सेक्शन दिखाया गया है। चित्र जी में ताना वार बैग डिजाइन की पूरी वीविंग दिखाई गई है, पूरी वीव जो है वो दिखाई गई है। यहाँ इस्तेमाल किया जाने वाला ड्राफ्ट एक डिवाइडेड ड्राफ्ट है, क्योंकि डिज़ाइन में ताना धागे के दो सेट का उपयोग किया जाता है। सेकंड जो टाइप है वो है वेफ्ट बैग्ड फैब्रिक्स। इस प्रकार के कपड़ों में वेफ्ट के धागों की दो श्रृंखलाएं यानी टू सीरीज ऑफ वेफ्ट एंड सिंगल सीरीज ऑफ वार यूज की जाती है। इसमें क्योंकि दो सीरीज वार वेफ्ट की यूज की जाती है, तो इसके लिए एक ड्रॉप बॉक्स की आवश्यकता होगी, जिससे कि हम मल्टी सटल यूज कर सकते हैं। वेफ्ट बैग थ्रेड को डालने का जो उद्देश्य है वो अतिरिक्त वजन या कपड़े की मोटाई प्राप्त करना है। फेस वेफ्ट थ्रेड को कपड़े की ऊपरी परत में रखा जाता है और बैक वेफ्ट थ्रेड को कपड़े की निचली परत में रखा जाता है। जैसा कि वार बैग बुनाई के मामले में फर्स्ट स्टेप बेस वीव का सिलेक्शन है, यह या तो एक वार या वेफ्ट फेस बुनाई हो सकती है। एक वेफ्ट फेस बुनाई उपयुक्त है, क्योंकि पीछे की तरफ वार्प के लंबे फ्लोट्स होते हैं। वेफ्ट फेस्ड बैक वीव का एक डिजाइन आगे चित्र 2 में दिखाया गया है। यहाँ पर फेस वीव ए जो कि 1 अप 3 डाउन ट्रेल है, 4x4 पर हमने इसको बनाया है। इसी तरह सी में देखिए बैक वीव जो कि 3 अप 1 डाउन ट्रेल हमने लिया है, जो कि फेस वीव का रिवर्स वीव हमने यहाँ पर बनाया है। बी क्रॉस सेक्शन दिखाया गया है, किस तरह वार्प का जो थ्रेड है वो वेफ्ट के साथ इंटरलेस करता है फेस और बैक दोनों से। डी जो डिजाइन है ये वीव हमारा बनाया है, जिसमें वेफ्ट को हमने मार्क किया है 1, 2, 3, 4 जो है फेस के लिए और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ बैक के लिए। 4 वार्प हमने यहाँ यूज किए हैं। सबसे पहले फेस वीव को फेस के थ्रेड्स में फिल करेंगे और बैक के थ्रेड्स को बैक की वीव को बैक थ्रेड्स में हम फिल करेंगे, जो कि क्रॉस से दिखाया गया फेस वीव है और क्रॉस विद सर्किल जो है बैक वीव है। नीचे यहाँ पर वीव ड्राफ्ट और पैक प्लान दिखाया गया है। वीव जो है हमने ऊपर जो बनाया है डी में बिल्कुल वैसा का वैसा ही वीव यहाँ लिया है, और इसका ड्राफ्ट क्योंकि 4 ही थ्रेड हम यूज करते हैं, तो
तो इसमें स्ट्रेट ड्राफ्ट यूज़ किया गया है, और क्योंकि स्ट्रेट ड्राफ्ट है तो पैक प्लान जैसा वीव होगा वैसा ही इसका पैक प्लान बनेगा। चित्र ए में एक 1:1 up 3 down ट्विल दिखाया गया है जो कि वेफ्ट फेस्ड बुनाई है। चित्र बी वेफ्ट बैक डिजाइन के वेफ्ट वे क्रॉस सेक्शन को दर्शाता है। जैसा कि वार्प बैग्ड कपड़े के मामले में सबसे उपयुक्त बाइंडिंग पॉइंट फ्लोट्स के बीच में होता है, ठीक वैसा ही यहाँ भी होगा। क्रमशः अरबी और रोमन अंकों द्वारा फेस और बैक वेफ्ट को निरूपित जो होते हैं, पहले वार्प थ्रेड का जो फर्स्ट हमने वार्प थ्रेड है उसका जो बाइंडिंग पॉइंट है वो वेफ्ट थ्रेड थर्ड के नीचे करते हैं। चित्र सी पर उपयुक्त बाइंडिंग बिंदुओं के साथ वेफ्ट बैक डिजाइन को दिखाता है। चित्र डी फेस और बैक की बुनाई को बारी बारी से वेफ्ट वे 1:1 के अनुपात से बुनते हुए कपड़े के अंतिम डिजाइन को दिखाता है। चित्र एफ वेफ्ट वे क्रॉस सेक्शन को दिखाता है जो चित्र बी जैसा ही है। चित्र ई वार्प वे क्रॉस सेक्शन को दिखाता है। चित्र जी डिजाइन की वीव को दर्शाता है। चूंकि वार्प धागे की केवल एक ही सीरीज का यूज किया गया है इसलिए एक स्ट्रेट ड्राफ्ट काम में लिया जाता है। बैग क्लॉथ में जो मोटिफ है वो फैब्रिक का वेट बढ़ाना होता है, लेकिन कई बार सिर्फ बैग में इतना वेट नहीं अचीव किया जा सकता जितना हमें चाहिए, तो उसके लिए हम यहाँ पर एक एक्स्ट्रा सीरीज फेस और बैक के थ्रेड्स के बीच में इंट्रोड्यूस की जाती है जो कि इंटरलेस किसी भी सीरीज से नहीं करती, दे रेस्ट बिटवीन टू सरफेसेस, फेस और बैक के दोनों धागों के बीच में वो रेस्ट करते हैं, स्थिर रहते हैं, और वो इंटरलेसमेंट या वीविंग में कहीं भी यूज नहीं आते हैं, सिर्फ वेट बढ़ाने के लिए उनको काम में लिया जाता है। उन थ्रेड्स को कहते हैं वाडेड थ्रेड्स, वाडेड यार्न। तो बैग्ड तीसरा जो टाइप है वो है इनका वाडेड बैग्ड फैब्रिक। तो जब वाडेड थ्रेड्स इंट्रोड्यूस करेंगे तो वो हो जाएगा वाडेड फैब्रिक, वाडेड बैग्ड फैब्रिक। बैग्ड कपड़े में ज़्यादा अतिरिक्त वजन और सामग्री जोड़ने के लिए वाडेड यार्न का उपयोग किया जाता है। वाडेड धागे मूल रूप से या तो ताना तरीके से या बाना तरीके से, यानी या तो वार्प के रूप में या वेफ्ट के रूप में इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। वाडेड यार्न अन्य थ्रेड्स की तुलना में मोटे होते हैं और सस्ती सामग्री से बने होते हैं, यानी चीपर क्वालिटी के होते हैं। वाडेड थ्रेड का उपयोग करने का उद्देश्य हवा की पारगम्यता यानी एयर परमिबिलिटी और थर्मल कंडक्टिविटी तथा कंफर्ट को बढ़ाना है, यानी कि जो वाडेड थ्रेड्स होते हैं वो थोड़े मोटे होते हैं और लो ट्विस्टेड होते हैं, जिससे कि वो जब दोनों सरफेसेस फेस और बैक के बीच में जब थ्रेड्स होते हैं तो वो एयर परमिबिलिटी को बढ़ा देते हैं, थर्मल कंडक्टिविटी उसमें बढ़ जाती है और कंफर्ट जो होता है वो बढ़ जाता है। वाडेड थ्रेड्स बैग धागों के विपरीत होते हैं, अर्थात बैग्ड यानी वार्प बैग्ड अगर क्लॉथ बना रहे हैं, वार्प बैग्ड के रूप में बैग्ड के रूप में वार्प के धागे अगर लेते हैं तो वाडेड के धागे वेफ्ट में यूज़ होंगे, और अगर बैग्ड वेफ्ट यूज़ करते हैं तो वाडेड वार्प होंगे, यानी कि रिवर्स होते हैं, बैग्ड वार्प और वाडेड वेफ्ट, बैग्ड वेफ्ट और वाडेड वार्प। इस प्रकार ये दो तरह के होते हैं, वार्प बैग्ड वेफ्ट वाडेड फैब्रिक, जब वार्प की बैकिंग होती है और वाडेड थ्रेड वेफ्ट के रूप में यूज़ किया जाता है, और सेकंड वेफ्ट बैग्ड वार्प वाडेड फैब्रिक है जिसमें बैकिंग वेफ्ट वेफ्ट बैग्ड होता है और वार्प वाडेड होता है, तब ये वेफ्ट बैग्ड वार्प वाडेड फैब्रिक बनता है। वार्प बैग्ड वेफ्ट वाडेड फैब्रिक, इन कपड़ों का निर्माण वेफ्ट तरीके से वाडेड थ्रेड डालकर किया जाता है। वाडेड पिक्स फेस और बैक फैब्रिक के बीच में रहते हैं, वाडेड यार्न फेस और बैक थ्रेड्स के बीच में बिना किसी इंटरवीविंग के होते हैं। यहाँ तक फेस की बुनाई
और बैग की बुनाई का संबंध है, जैसा कि बैग्ड कपड़े के निर्माण में होती है, वही स्थितियां आवश्यक होती हैं। वाडेड डिजाइन वाडेड थ्रेड्स को शामिल करने के अलावा साधारण बैग डिजाइन के समान ही बनता है, यानी कि वाडेड के थ्रेड्स हम मार्क जरूर करेंगे लेकिन वो इंटरलेस नहीं करते हैं, डिजाइन में उसका कोई रोल नहीं होता है। वाडेड स्ट्रक्चर में सभी फेस एंड्स वाडेड पिक्स के ऊपर होते हैं और सभी बैक एंड्स डाउन होते हैं। डिजाइन आगे चित्र 3 में दिखाया गया है। देखिए यहाँ पर हमने फेस व्यू लिया है 4 अप 1 डाउन का ट्विल, और बैक व्यू लिया है 1 अप 4 डाउन का ट्विल, यानी कि अगर हम बैक से देखेंगे तो ये फेस व्यू का रिवर्स होगा। अब यहाँ हमने जो मार्क किया है, क्योंकि वार्प फेस हम बना रहे हैं तो जो व्यू बनेगी उसमें वार्प और बैक फेस और बैक के वार्प जो होंगे उनको काउंट करके हम, क्योंकि यहाँ 5x5 पर बनाया है तो 10 वार्प हम यूज़ करेंगे। और वेफ्ट में 5 तो वेफ्ट के हो गए और 5 ही हम इसमें वार्डेड थ्रेड का रेशियो भी 1:1 हम यहाँ रखते हैं। तो यहाँ पर जब वार्प में मार्क करेंगे तो फेस बैक हमने मार्क किया है, और वेफ्ट में जो मार्क किया है वो फेस वार्डेड फेस वार्डेड फेस वार्डेड फेस वार्डेड फेस वार्डेड, मीन्स फेस वेफ्ट क्योंकि कॉमन है तो इसको हमने फेस ही मार्क किया है। और अब हम इसमें फिल करेंगे फेस थ्रेड्स में, हमारा फेस व्यू हम फिल कर देंगे। देखिए फेस वार्प में फेस व्यू मार्क कर दिया, क्रॉस से हमने शो किया है, और इसी तरह फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ है, इस तरह पांचों थ्रेड्स में हमने जैसा हमारा फेस का व्यू हमने यहाँ लिया है उसके अकॉर्डिंग हमने सारे क्रॉसेस यहाँ लगा दिए और ये फिल हो गया फेस व्यू। बैक के थ्रेड्स में बैक व्यू का जो सर्किल हमने यूज किया है वो हमने बैक के थ्रेड्स में फेस के वेफ्ट के साथ इंटरलेस करते हुए हमने मार्क कर दिया है। और उसके बाद जो एक कंडीशन है कि हमारा जो वार्डेड थ्रेड है वो उस दोनों लेयर्स के बीच में रहेगा, यानी कि फेस के सारे धागे वार्डेड वेफ्ट के ऊपर होंगे, अप होंगे। तो उसके लिए हमने हैश का मार्क यूज किया है, तो जहाँ भी फेस का वार्प वार्डेड थ्रेड से क्रॉस कर रहा है वहाँ पर हमने इसको हैश का मार्क लगा दिया। तो ये ऑल द फेस वार्प अप ओवर वार्डेड वेफ्ट जो मार्क हमने लगाया है वार्डेड मार्क के। और यहाँ पर बैक वार्प, क्योंकि बैक का वार्प वार्डेड के नीचे रहेगा तो यहाँ हमें कोई भी मार्क लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह हमारा जो वार्डेड थ्रेड है दोनों लेयर्स के बीच में आ गया और ये हमारा भी कंप्लीट बन गया। वेफ्ट बैक वार्प वार्डेड फैब्रिक, इस प्रकार के कपड़ों में वार्डेड थ्रेड का उपयोग ताना तरीके से, यानी कि वार्प में हम वार्डेड थ्रेड यूज करेंगे और फैब्रिक जो बनेगा वो वेफ्ट बैक्ड होगा। तुलनात्मक रूप से ये एक अच्छी तरह से व्यवस्थित और सस्ती विधि है। बुनाई के दौरान ताना धागे पर अधिक दबाव डाला जाता है जिसके लिए बेहतर गुणवत्ता वाले वार्डेड सामग्री के उपयोग की आवश्यकता होती है। इसमें वार्डेड थ्रेड भी अच्छी क्वालिटी का यूज़ करना होता है क्योंकि वार्प में यूज़ कर रहे हैं तो वार्प में टेंशन ज़्यादा होता है, जिससे कि वो अगर हल्का होगा या चीप क्वालिटी का होगा तो वो बार बार में ब्रेक हो जाएगा, तो इसलिए इसमें वार्डेड थ्रेड की क्वालिटी अच्छी यूज़ की जाती है। वार्प वार्डेड स्ट्रक्चर्स में वार्डेड एंड्स यानी वार्डेड थ्रेड हम वार्प के रूप में यूज करेंगे, तो वार्डेड एंड्स को सभी बैक पिक्स के ऊपर उठाया जाना चाहिए और सभी फेस पिक्स के नीचे उसको रखा जाना चाहिए, क्योंकि दो लेयर जो हमारी बन रही हैं तो वार्प फेस का वार्प और फेस, क्योंकि अब हम जो दो सीरीज यूज कर रहे हैं वो वेफ्ट की यूज कर रहे हैं तो उन दोनों लेयर्स के बीच में हमें इस वार्प को रखना होगा, इंटरलेसमेंट नहीं होगा। तो
वाडेड थ्रेड्स का उपयोग वाडेड यार्न की दिशा में एक बैग्ड कपड़े की मजबूती को बढ़ाता है। ये बैग्ड धागे से सिले हुए थ्रेड्स की दृढ़ता को बढ़ाने में भी सहायक हैं। इन धागों को उनके प्रभाव को कम करने के लिए फेस और बैग धागों के बीच में रखा जाता है। आगे डिजाइन जो चित्र है चार उसमें दिखाया गया है। देखिए यहाँ पर फेस वीव हमने लिया है वही 4 अप 1 डाउन 12, जिसको हमने इस तरह मार्क कर दिया है क्योंकि ये है वेफ्ट फेस्ड वीव बनाया है। इसी तरह बैक्ड वीव भी 1 अप 4 डाउन 12 हमने ले लिया है, जिसको इस तरह हमने बना दिया है। इसको बनाने के बाद साइज हम लेंगे क्योंकि इसको हम बना रहे हैं वेफ्ट बैक्ड है, तो वेफ्ट वे हम फेस 5 5 10, 10 वेफ्ट और 5 फेस वार्प और 5 वाडेड वार्प, तो 10 बाई 10 पर ये वी बनेगा, जिसमें वार्प को हम मार्क करेंगे फर्स्ट फेस सेकंड वाडेड, क्योंकि रेशियो 1:1 ही लिया है, तो फेस वाडेड यानी FW 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 ये हमने फेस और वाडेड वार्प्स को मार्क कर दिया। इसी तरह वेफ्ट में फेस बैक हमने मार्क कर दिया। अब यहाँ पर फेस के थ्रेड्स में हम फेस की वीव को इंसर्ट करेंगे, जैसा कि यहाँ पर फेस वीव में दिखाया गया है बिल्कुल वैसा का वैसा हमने यहाँ मार्क कर दिया। और इसी तरह सेकंड थ्रेड में, थर्ड थ्रेड में, फोर्थ वार फेस और फिफ्थ वे फेस क्रॉस से हमने फेस वीव को दिखाया है। इसी तरह बैक वीव को बैक थ्रेड्स में हम फिल करेंगे, जिसको हमने सर्किल से दर्शाया है, और ये हमने फिल करने के बाद इस तरह का व्यू ये हमारा बन गया है। अब कंडीशन थी कि वार्प, क्योंकि हमने वार्डेड यूज कर रहे हैं, तो दोनों लेयर्स के बीच में रखने के लिए ऑल द वार्डेड थ्रेड्स अप ओवर बैक वेफ्ट, यानी बैक वेफ्ट के तो ऊपर होंगे और फेस के नीचे होंगे। तो देखिए हमने फेस पे वार्डेड थ्रेड जहाँ फेस से क्रॉस हो रहा है वहाँ हमने ब्लैंक छोड़ दिया है, इसका मतलब यहाँ पर फेस के वेफ्ट से नीचे रहेगा, और हैश का मार्क हमने बैक थ्रेड के बैक वेफ्ट के साथ लगाया है। तो इट मीन्स वार्डेड थ्रेड जो है वेफ्ट की बैक वेफ्ट के ऊपर होगा, तो ऑल द वार्डेड वार्प अप ओवर बैक वेफ्ट। तो जहाँ जहाँ हमारे पांचों वार्डेड थ्रेड्स बैक के साथ क्रॉस करते हैं वहाँ पर हमने हैश का मार्क यहाँ पर लगा दिया है। इस तरह ये हमारा वेफ्ट बैक्ड वार्प वार्डेड भी कंप्लीट हो गया है। कंपैरिजन बिटवीन वार्प बैक्ड एंड वेफ्ट बैक्ड फैब्रिक्स। वार्प बैक्ड और वेफ्ट बैक्ड देखिए टेबुलेशन में यहाँ दर्शाया है। पहला वार्प बैक्ड क्लॉथ हैंडलिंग में वेफ्ट बैक्ड की तुलना में कम नरम और कम उन्नत होता है। वेफ्ट बैग में हैंडलिंग में नरम और अधिक उन्नत कपड़ा प्राप्त किया जा सकता है। यह वेफ्ट कम ट्विस्ट वाले और ताना से कम तनाव में होने के कारण होता है, क्योंकि यहाँ पर वेफ्ट जो है कम ट्विस्ट का यूज कर सकते हैं, इसलिए ऐसा होता है। यहाँ पर वार बैग में 2 ताना बीम की आवश्यकता है और कोई ड्रॉप बॉक्स की आवश्यकता नहीं होती, जबकि वेफ्ट बैग में 1 ताना बीम और 2 ड्रॉप बॉक्स 2-1 की आवश्यकता होती है। तीसरा थर्ड जो डिफरेंस है कंपैरिजन जो है कम पिक प्रति सेंटीमीटर, यानी 1 सेंटीमीटर में पिक्स की संख्या कम होने की वजह से उत्पादन करने के लिए सस्ता होता है। यहाँ पर क्योंकि वार्प की बैकिंग की जाती है तो सिर्फ वेफ्ट इंसर्ट करना होता है, उसकी डेंसिटी कम होती है तो प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। अधिक पिक प्रति सेंटीमीटर के कारण उत्पादन करने के लिए महंगा होता है। फोर्थ अंडर साइड पर स्ट्राइप पैटर्न के गठन से कपड़े को अधिक ठोस रूप दिया जा सकता है। बैक साइड में बैक में स्ट्राइप पैटर्न हम बना सकते हैं। यहाँ पर एक ठोस दिखावट का या टेक्सचर का उत्पादन करना असंभव है। वार्प में मजबूत अधिक होती है क्योंकि वार्प
अच्छी क्वालिटी का वार्प इसमें यूज़ किया जाता है, इसलिए ये मजबूत होते हैं, वार्प पे मजबूती कम होती है। संरचनात्मक दृष्टिकोण से श्रेष्ठ होता है और ये थोड़ा सा इन्फीरियर होता है। सेवंथ, बुनाई में अधिक खिंचाव के कारण कम गुणवत्ता वाले यार्न का उपयोग ताना में नहीं किया जा सकता है। वेफ्ट में यार्न पर कम खिंचाव के कारण कम गुणवत्ता वाले वैकिंग यार्न का उपयोग किया जा सकता है। एट्थ, ड्रॉइंग इन एक महंगा ऑपरेशन है होता है क्योंकि इसमें सिरों की संख्या अधिक होती है, यानी कि ड्रॉइंग इन वार्प को अगर हम यूज़ करते हैं तो ड्रॉइंग इन का प्रोसेस महंगा पड़ेगा। वेफ्ट में हैंड्स की कम संख्या के कारण ड्रॉइंग इन कार्य सस्ता होता है। पॉइंट नंबर 9, ड्राफ्ट आमतौर पर अधिक जटिल होते हैं, कॉम्प्लिकेटेड ड्राफ्ट होते हैं और समान प्रभाव पैदा करने के लिए अधिक संख्या में हील्स की आवश्यकता होती है। वेफ्ट में कम थ्रेड्स, कम एंड्स होने के कारण ड्राफ्ट सरल, कम संख्या में हील्स की आवश्यकता होती है। पॉइंट नंबर 10, वार बैग कपड़ों में सिरों को व्यवस्थित करने के मानक क्रम जो स्टैंडर्ड है वो वन फेस वन बैग, टू फेस वन बैग या थ्री फेस वन बैग हो सकते हैं, जबकि वेफ्ट बैग में वन फेस वन बैग, टू फेस वन बैग, थ्री फेस वन बैग, टू फेस और फोर फेस और टू बैग, इस तरह इनको हम यूज कर सकते हैं। एंड यूज पैक्ड कपड़े जो हैं शॉल, हैवी ड्रेस मटेरियल, ओवरकोट आदि में उपयोग किए जाते हैं। आज के इस लेक्चर में अपने बैग क्लॉथ को, उसके टाइप्स, उसको किस तरह कंस्ट्रक्ट किया जाता है, उनको आपने अच्छे से समझ लिया होगा। थैंक यू।